अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं टूवर्ड उड़ीसा के लिए। 113 और महासमुंद है 12 किलोमीटर। वहाँ छोटा सा एक पार्क टाइप भी बना हुआ है और यहाँ से सोहेला है कुछ 15। सोहेला में ब्रेकफास्ट के लिए अपन लिए हैं इडली। पेड़ पूरा झुके हुए सलामी दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। आगे सोनपुर जीवा रास्ता का कोड है, सोनपुर जीवा रास्ता। मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है यार। रोड की बेइज्जती कर रहा था लेकिन अब मेरे को उड़ीसा में बस एक ही चीज़ से दिक्कत है, वो है ब्रेकर। अब रोड काफ़ी सुंदर है यार। मेरा गांव जस्ट कोस्टल एरिया पे है, मजा आ गया लेकिन ये पूरे राइड में। ये तो हम पहुंच चुके हैं आस्का कांचल सांसद दिए थे। क्या ब्यूटीफुल जगह है यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं अभी रायपुर में और आज की हमारी जर्नी होने वाली है रायपुर से छतरपुर के लिए, जो कि उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है और ये मेरा गांव है वो। तो टोटल यहां से डिस्टेंस बोलेंगे तो 560 किलोमीटर होने वाला है। तो अपन रायपुर से सीधा हॉर्नेट को नॉनस्टॉप चलाएंगे और 12 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे। तो इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है, ये ज़बरदस्त मोटो ब्लॉग होने वाला है क्योंकि ये आज तक का मेरा एक सपना था, आज पूरा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 4:25 और अपनी राइडिंग अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपन। कुशालपुर चौक से सीधा हाईवे होते हुए निकलेंगे। तो अपना जो रूट होने वाला है यहाँ से सरायपाली, सरायपाली से उड़ीसा के बौद्धगढ़, बौद्धगढ़ से अपन भंजनगर चले जाएंगे, फिर भंजनगर से आस्का होते हुए सीधा छतरपुर तक पहुँचेंगे। तो ऐसा टारगेट है कि शाम को 4 या 5 बजे तक पहुँच जाएंगे अपन। चलिए आप सीधा बाइक पर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है सुबह के 4:32 और अपन अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं टूवर्ड उड़ीसा के लिए। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं सरायपाली में, खाना खाएंगे बौद्धगढ़ में और शाम का स्नैक्स होगा भंजनगर में और रात का अपना डिनर होने वाला है घर में। तो गाइस अपन अभी गुजर रहे हैं भाटागांव चौक के ऊपर से और आज की राइड तो अब बहुत ज़ोरदार होने वाली है। टोटल 12 घंटे की राइड है हमारी और डिस्टेंस है 560 किलोमीटर। अभी हम लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक जाएंगे सरायपाली तक, फिर वहाँ से बौद्धगढ़ के लिए निकलेंगे। तो गाइस अपन पहुँच चुके हैं तेलीबांधा चौक और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो फिर से वापस सिटी की ओर पहुँच जाएंगे और हम सिटी को पार करते हुए सीधा सीधा निकल रहे हैं सरायपाली की ओर। और रायपुर का सबसे बेस्ट जगह जो है ना वो यही है, बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय आओगे ना तो पूरा लाइटिंग लगे रहता है बिल्डिंगों में, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। पेट्रोल फुल है पूरा, तो इतने में आराम से अपन गांव के आसपास पहुंच जाएंगे। और ये है करेंसी टावर जहां पर है स्टारबक्स, सबसे महंगी कॉफी मिलती है यहां पर। एक बार गया था मैं, उसके बाद नहीं गया कभी। और ये है मैग्नेटो मॉल, पूरा लाइट बंद है बस मैग्नेटो दिख रहा है आपको। बहुत मजा आ रहा है यार, सुबह सुबह राइड करने का ना एक अलग ही मजा है। जब ये दिल मोड़ना ही था। पूरा 230 सरायपाली 113 और महासमुंद है 12 किलोमीटर। अपन सीधा सीधा जाएंगे तो अभी सरायपाली तक और 113 किलोमीटर बचा हुआ है और हम पहुंच चुके हैं महानदी पे। आपको पता है कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में जाकर डेल्टा बनाती है कटक के पास और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी
शिवनाथ नदी जो छत्तीसगढ़ को दो भागों में डिवाइड कर देती है। और देखिए पानी अभी है ही नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 5:25 और ये देखिए ये रेलवे लाइन है। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो रहा है 5:53 यानी कि 5:30 बज रहा है और सूरज थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि रायपुर साइड 5:30 सूरज निकल जाता है। लेकिन अभी उड़ीसा में देखोगे ना तो धूप हो गया होगा, क्योंकि उड़ीसा पूर्व एरिया में पड़ता है, अपन जहाँ जा रहे हैं कोस्टल एरिया में, तो वहाँ पर जल्दी सूरज निकलता है। सुकून है भाई, सुकून इस राइड पे, कितना ब्यूटीफुल सूरज दिख रहा है, देखो सनराइज हो रहा है। और हाँ, महासमुंद के लिए अपन को ये ब्रिज के नीचे सोते हुए इधर जाना पड़ेगा। पिछले बार जो कैंपिंग का वीडियो देखे थे ना आप खुदार का, ये देखो यहाँ से राइट जाना पड़ता है खुदार डैम के लिए। और इको कैंप भी बना हुआ है गवर्नमेंट का, उस साइड बना हुआ है, वो जो था वो खुदार का बैक साइड है। अगर फ्रंट साइड से जाना चाहते हैं तो इस साइड से रास्ता अपोजिट साइड से, वो देखो जो गेट दिख रहा ना वही है, वहाँ छोटा सा एक पार्क टाइप भी बना हुआ है और बोटिंग वगैरह के लिए है वो। क्या सनराइज है यार, कितना ब्यूटीफुल सनराइज है देखो। और ये देखिए दोस्तों पूरा जंगल स्टार्ट हो गया इधर, और रोड भी काफी सुंदर है। रायपुर से अभी तक दो टोल गेट पड़ा है, एक दो टोल गेट थे, एक अपने मंदिरों तक के पास है और उसके बाद ये एक टोल गेट। है 6:10 और बचा हुआ है बस 50 किलोमीटर यहाँ से सरायपाली, और आज का हमारा ब्रेकफास्ट सरायपाली में होने वाला है। और रोड देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल रोड है यार, ये जितनी तारीफ करो उतना कम। और पूरा रायपुर से लेकर सरायपाली तक है, गाइस बसना है थोड़ा सा और आगे, इसके जस्ट बाद बसना ही है। एक चीज़ अच्छा है कि आज सूरज थोड़ा लेट से निकल रहा है, बदली है तो सही है। तो गाइस टोल गेट नंबर 3, तो रायपुर से सरायपाली के बीच 3 टोल गेट पड़ते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरायपाली, और यहां से अपन को जाना पड़ेगा लेफ्ट अगर सरायपाली सिटी के अंदर जाते हैं तो, लेकिन अपन सरायपाली सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, यहां से आगे निकलेंगे। हालांकि हमको यहां पर नाश्ता करना था, लेकिन उसके लिए हमको सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि फालतू टाइम वेस्ट है, जाएंगे आएंगे आगे देखते हैं कहीं पर सोहेला वगैरह में नाश्ता कर लेंगे। और वैसे भी अभी टाइम नहीं हुआ है, 6:50 ही हुआ है। सरायपाली छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न रीजन का सबसे आखिरी सिटी है, उसके बाद कोई सिटी नहीं पड़ता, ये बॉर्डर आ जाता है उड़ीसा का, उसके बाद बॉर्डर पार करेंगे, उसके बाद सोहेला पड़ेगा। तो गाइस अपन अभी इंटर करने जा रहे हैं उड़ीसा में, और ये है उड़ीसा पुलिस। यहाँ से हम लोग इंटर कर चुके हैं उड़ीसा में। जैसे ही आप उड़ीसा में इंटर करते हैं तो उड़िया स्टार्ट हो जाता है, हर जगह पर बोर्ड में, माइलस्टोन में, सारे जगह पर उड़िया में स्टार्ट हो जाता है। तो एक पता चल जाता है कि हाँ हम इस स्टेट पे आ गए, जो जिस स्टेट में उसका खुद का लैंग्वेज रहता है ना,
वो उसका एक अलग मजा है। तो दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं अभी उड़ीसा में और यहाँ से सोहेला है कुछ 15 किलोमीटर। और ये देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है और ये बरगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये पूरा एरिया। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सरायपाली अंदर साइड था तो वहाँ पर नाश्ता किए नहीं थे, तो अभी सोहेला में चलते हैं, सोहेला में नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो गाइस उड़ीसा में आपका स्वागत है और उड़ीसा का पहला गांव पड़ा ये डूंगरपल्ली। उड़ीसा के अभी हम लोग वेस्टर्न साइड में हैं और मेरे को जाना है ईस्टर्न साइड में, एकदम समुद्री किनारे पे जाना है। तो मतलब पूरा पूरा उड़ीसा क्रॉस करते हुए निकलेंगे अपन, बीच के जंगल एरिया को भी क्रॉस करते हुए निकलेंगे। और सोहेला है सिर्फ 3 किलोमीटर। सोहेला से अपन को कटना है राइट साइड वाले रास्ते पे, क्योंकि ये रास्ता सीधा कोलकाता के लिए निकलता है, ये कलकत्ता मुंबई नेशनल हाईवे है। तो दोस्तों ये है सोहेला, यहाँ देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए हो तो। दोस्तों अभी मैं हूँ सोहेला में और सोहेला में ब्रेकफास्ट के लिए अपन लिए हैं इडली। 20 रुपए में 4 इडली मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए यहाँ पर। और सोहेला उड़ीसा में आता है तो यहाँ पर, यहाँ से उड़ीसा पुलिस स्टार्ट हो जाती है। ब्रेकफास्ट हो गया सोहेला में, अब ये निकलते हैं यहाँ से अपने जर्नी पे। और नेक्स्ट हम लोग का लंच होने वाला है बौधगढ़ में, जो यहाँ से लगभग 3-4 घंटे की दूरी पे है। सोहेला से अपन को राइट कटना पड़ता है और यहाँ से थोड़ा सा रोड ख़राब है, सिंगल लेन भी है और रोड भी थोड़ा सा ख़राब है। गाँव एरिया बड़ा बड़ा गड्ढा है भाई, बड़ा बड़ा गड्ढा, पॉट होल है ये पूरा। रात में आओगे ना तो हालत खराब हो जाएगा ये रास्ते पे। फॉग लाइट बहुत जरूरी हो गया है इस रास्ते पे। साइड पेड़ पूरे झुके हुए सलामी दे रहे हैं ऐसा लग रहा। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं बारापाली और यहां से अपन बरमपुर दिखा रहा 342 किलोमीटर। तो इस रूट का यूज़ करेंगे अपन। तो बारापाली एक रेलवे स्टेशन भी है, शायद बरगढ़ जाने वाले रास्ते पे आता है, बलांगीर जाने वाले रास्ते का होगा ये। बोले को बारापाली रेलवे स्टेशन, छोटे छोटे धान के खेत। आगे सोनपुर जीवा रास्ता टा कोड़ा है, सोनपुर जीवा रास्ता, सोनपुर हाँ ये भीतर है। नहीं नहीं रिज रिज हाँ, सोनपुर जीवा रास्ता इड़ा की सोनपुर, सोनपुर हाँ जीवा जीवा हाँ। तो डायरे हालू पुरे दीजो, डायरे रास्ता हालू दिला बोले कितने किंडर भी हुई आलू साला। एक तो इन लोगों का भाषा समझ में नहीं आता, ऊपर से गूगल मैप बना के दे दे रहा है मेरे को। उड़िया होके उड़ीसा में दो तरह के भाषा बोलते हैं लोग, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है यार। ऐसे पूरा रोड उड़ीसा भर रहे तो गर्मी पता ही नहीं चलेगा कुछ भी, और ठंडे के दिनों में इधर आ जाओगे ना हालत खराब हो जाएगा।
एक नंबर। वो ब्रेकर हमेशा जोड़ियों में होते हैं, ये आपने सुना होगा, लेकिन उड़ीसा में जोड़ी जोड़ी ब्रेकर है, मतलब एक ही जगह पर दो जोड़ी ब्रेकर है, उसके और आगे थोड़ा सा फिर दो जोड़ी ब्रेकर। अरे इतना ब्रेकर काहे बनाते हो, उससे अच्छा रोड ही मत बनाओ ना, जब इतना ब्रेकर बनाना है तो। पतला रोड है, पता नहीं स्टेट हाईवे है लग रहा है। दोस्तों मौसम खराब हो चुका है इधर, बस बारिश वारिश ना हो जाए, बाकी ऐसे मौसम रहे तो चल जाएगा, बहुत मजा आएगा। हम मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। ओहेला से सोनपुर तक का जो रोड है वो पूरा खराब है भाई, उसके बाद जबरदस्त है रोड। अगर आप रायपुर से पूरा सोहेला तक भी रोड देखेंगे ना तो पूरा जबरदस्त है, और सोहेला से सोनपुर तक का रोड खराब है, तो सोनपुर से अच्छा है रोड। ओके ऐसे ही होगा आगे तक पूरा रोड। दोनों साइड से पेड़ सलामी देते हुए, रोड की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन अब उड़ीसा के रोड देखो और यहाँ के ग्रीनरी देखो यार, ग्रीनरी जरा सा भी गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। वैसे तो टेम्परेचर पूरा लो लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, सूरज भी आज उतना निकला नहीं है, बादली बादली छाया हुआ है, एक ज़बरदस्त मौसम है ये राइडिंग के लिए। 300 किलोमीटर कम्प्लीट हो गया है अभी, और 260 किलोमीटर बस बचा है, अभी सिर्फ 10 ही बजा हुआ है। बताओ अगर ऐसे चलाते रहे तो दोपहर 1 बजे ही पहुंच जाएंगे घर। सुहाना सफर है ये मौसम हसी, हमें हम कहाँ हम पता ही नहीं। अभी अपन बोर्ड की ओर निकल रहे हैं यहाँ से, और बस अब पहुँचने वाला हूँ बोर्ड। मेरा टारगेट था बोर्ड पहुँचने का 12 बजे का, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 10:24, मतलब 1.5 घंटा पहले पहुंच गया मैं, और 10:30 बजे वहां पर अपन लंच करने वाले थे, लेकिन 10:30 बजे क्या लंच करें यार, अभी तो 9 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे, तो बहुत को स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे भंजनगर में, हो सके तो लंच करेंगे। सहजापाल करके कोई गाँव है ये, हाईवे में पड़ गया, मतलब वो गांव गांव नहीं रह गया अब। ब्यूटी ऑफ उड़ीसा, क्या जबरदस्त लोकेशन है, पहुंच चुके हैं बौद्ध, और यहां से अपन को जाना है राइट। अपन बौद्ध को भी क्रॉस कर गए हैं, अब अपन जा रहे हैं कलिंग घाटी की ओर, और कलिंग घाटी क्रॉस करके भंजनगर में खाना खाएंगे, ठीक है। मेरे को उड़ीसा में बस एक ही चीज से दिक्कत है, वो है ब्रेकर। भाई हाईवे में किस चीज का ब्रेकर बनाते हो भाई, ये हाईवे है कि क्या है? एक तो चक्का डैमेज हो रहा है, सॉकअप डैमेज हो रहा है, इंसान डैमेज हो रहा है, ऐसा इतना बड़ा बड़ा ब्रेकर बना देते हैं। स्कूटी लेके आओगे चक्का ऊपर टूट जाएगा। यहाँ नया रेल लाइन बिछाया जा रहा है, कितना ब्यूटीफुल है यार ये पूरा एरिया।
ये सब रोड से ना बस्तर का याद आ जाता है। गाइस यहाँ पर पेट्रोल लीटर है 102 रुपए। कार्ड स्वाइप होगा कि नहीं होगा? कार्ड अरे स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ एलिफेंट एलिफेंट वाला क्षेत्र है, तो देखना कि गाड़ी चलाना भाई बीच रास्ते में हाथी ना आके खड़ा हो जाए। सुकून वाली राइड, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है नहीं ये रूट। एक तो इतना सुंदर रोड, ऊपर से इतने बड़े बड़े पेड़ दोनों साइड। क्या मस्त लग रहा है यार, बरसात के दिनों में आएंगे तो और ज्यादा हरियाली होगा इधर, गर्मी के दिनों में इतना हरियाली है। पहुँचने वाले हैं फुलवाणी वाले रास्ते से होकर थोड़ा सा आगे जाके कलिंग घाटी की ओर मुड़ जाएंगे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया का मोस्ट फेमस एक घाटी जिसको कलिंग घाटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि उड़ीसा जो है कलिंग साम्राज्य में आता था पहले। रोड काफ़ी सुंदर है, बाइकर्स के लिए जगह जन्नत। तो दोस्तों अपन अभी क्रॉस कर रहे हैं माधपुर घाटी को, और इसके बाद पड़ेगा अपन का कलिंग घाटी। माधपुर घाटी से फुलवाणी के लिए एक रास्ता जाता है, लेकिन अपन फुलवाणी नहीं जाएंगे, उसके साइड से निकलेंगे। ये घाटी भी खतरनाक है यार। कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा घाट है, इसको माधपुर घाटी के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग। भाई बाइकर्स के लिए जन्नत है, बाइकर्स यही तो खोजते हैं, घाटी हिल स्टेशन। ये देखो चढ़ नहीं पा रहा है गाड़ी। तो आगे से लेफ्ट मुड़ना है अपन को। कोडिंग घाटी वाला रोड है कि कोडिंग घाटी वाला रोड टा कोडिंग घाटी ये पटे जीवे ए पटे जीवे 22 किलोमीटर संकरा खुलु। हां पे छु छाड़ी वेनी। हां हला आ काउ पछारे ने एका पडिया सीधा आ सेटु पाई जीवे फुलवाणी ब्रह्मपुर रास्ता सेटु बा साइड तो कटबे चलला गुटे रास्ते रे। आ ठीक है, धन्यवाद। हां तो यहां से भाई 35 किलोमीटर है,
21 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है कलिंग घाटी। पूरा अर्पू वैली टाइप जबरदस्त व्यू है। और वो जो पहाड़ है वो कलिंगा घाटी है मुझे लगता है। चलिए पता चल जाएगा अभी। तो ये जो गांव देख रहे हो आप, इस गांव का नाम है कलिंगा और इसी के बेस पर बैठा हुआ है कलिंगा घाटी, क्योंकि ये घाटी चढ़ने के बाद ही ये गांव आता है। और अभी अपन क्या घाटी को चढ़ेंगे नहीं, घाटी को उतरेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हाइट पे हैं। तो अभी हम लोग समुद्र तल के नीचे की ओर जाएंगे। मेरा जो गाँव है वो समुद्र के पास है। अभी हम लोग बाहर से नीचे उतरेंगे। तो मैं अभी बाइक को न्यूट्रल मार दिया हूँ, फिर भी बाइक 60 की रफ्तार से नीचे उतर रहा है। 50-60 की रफ्तार से नीचे उतर रहा है बाइक। जो लोकल्स होंगे वही न्यूट्रल मारते होंगे यहाँ। के साइड में इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है कि देखने के बाद मन पूरा यहीं रह जा रहा है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। हवा भी मस्त ठंडा ठंडा चल रहा है। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये लोग इतने पहाड़ी में भी ब्रेकर बना दिए हैं यार उड़िया वाले लोग। उड़ीसा के लोगों को ब्रेकर से बहुत प्यार है लगता है। इतना सुंदर पहाड़ है यार, और वहां से देखता हूँ तो ये पहाड़ कितना सुंदर लगता होगा। ये भी बढ़िया रोड है।
क्या नजारा है वो देखो, रोड जा रहा है। पहाड़ों में ब्रेकर क्यों बनाते हैं पता नहीं। वाह रे, इस पहाड़ से अब उस पहाड़ पे जाएंगे अपन। ब्रह्मपुर 107 किलोमीटर है यहाँ से भुवनेश्वर 200। देखो तो देखने का ही मन करता है, बस ये ब्रेकर से मैं परेशान हूँ। यहाँ के लोग पहाड़ों में भी ब्रेकर बना दिए। अरे भाई, ब्रेकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कितना स्लो में चलना है। अब पहले ऐसा तो नहीं कि यही चेक घाटी है, बाकी जगह भी तो घाटियाँ हैं वहाँ पीछे। और कलिंगा घाट से नीचे उतरने के बाद सबसे पहला गांव पड़ता है दुर्गा प्रसाद। काफ़ी फनी है ना। और इसके बाद तो पूरा रोड सीधा सीधा है, यहाँ से पंचनगर 20 किलोमीटर है, वहाँ से फिर आशिका, आशिका से फिर मेरा गाँव। तो और ज़्यादा से ज़्यादा बचा होगा 80 किलोमीटर बचा है, शायद 80-90 किलोमीटर बचा हुआ है, और तो पहुंच जाएंगे आराम से। ये देखो एक गांव है उड़ीसा का, पूरा बीजेपी के झंडे लगे हुए, मतलब यहाँ के लोग बीजेपी पसंद नहीं करते लगता है। तो बीजेपी के भी कम है लेकिन बीजेपी के ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन रहा होगा जोरदार इस गाँव में वोटिंग पे। अभी टाइम हो रहा है कुछ 1 बज रहा है और हमने चला लिए हैं 467 किलोमीटर तक चला दिए हैं। और अपन पहुंच चुके हैं भंजनगर, यहाँ से और 80 किलोमीटर के आसपास होगा मेरा गांव। मेरा गांव जस्ट कोस्टल एरिया पे है, तो पूरा समुद्री एरिया तक जाना पड़ता है अपन को, एकदम लास्ट। पंदमार साइड तो और ज़्यादा मस्त लग रहा था, लेकिन इधर तो पूरा फील हो रहा है गर्मी, गर्मी लग रहा है इधर, गरम गरम हवा आ रहा है। और ये भंजनगर सिटी की ओर जाता है, और हम लोग भंजनगर NSE नहीं जाएंगे, यानी कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल, हम चले जाएंगे बाईपास होते हुए, सिटी को क्रॉस कर देंगे और सीधा आसका निकलते हैं। अभी भूख नहीं लग रहा है, गरम गरम लग रहा है, क्योंकि नाश्ता ज़्यादा दबा के खा लिया ना मैं, और बस अभी 1:30 बजा है, मैं लेट से खाता था थोड़ा, तो आसका में देखते हैं, आसका में खा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप मुझे पहुंचना था शाम के 5 बजे, लेकिन अब गूगल मैप कह रहा है कि मैं 3:30 बजे पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा। गूगल मैप के मैं 2-3 घंटे आगे निकल गया भाई गूगल मैप से। मज़ा आ गया लेकिन ये पूरे राइड में। अभी मैं आसका पहुंचने वाला हूँ, 10 किलोमीटर और बचा है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:58, यानी कि 2 बज रहा है, और आसका बचा है और 5 किलोमीटर, तो बहुत जल्दी पहुंच गए अपन आसका में। देखते हैं खाना वाना खा लेते हैं, 2 बज रहा है, भूख तो लग नहीं रहा है, लेकिन बाद में भूख लगे वो सच्चे थोड़ा सा खा लेते हैं। अभी खाना ना खा के जाएंगे, नहीं तो कुछ अच्छा नाश्ता वास्ता मिले या जूस वूस मिले तो पी लेंगे, क्योंकि भूख लग नहीं रहा। सुबह कुछ ज़्यादा ही हैवी नाश्ता हो गया, 9 बज रहा था, 3 बड़ा और 3 इडली खा दिया मैं, 4 इडली था 3 बड़ा था। ऐसा ही मैदान दिखेगा अब आपको, पहाड़ पत्थर जंगल सब खत्म। अब यहाँ से मैदानी भाग स्टार्ट हो जाता है,
और फिर हमारे घर के पास समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आस्का, देखो मस्त दो डिवाइडर भी बना दिए हैं ताकि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना। अच्छा जगह है अभी, तो दोस्तों आस्का से और दिखा रहा 47 किलोमीटर। कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, गर्मी लग रहा है। कांचा वाला थम्स अप दिया थे, कांचा वाला थम्स अप ऑर्डर दे दिए। आस्का का रसकुलिया ब्रिज, इस एरिया में रसकुलिया नदी का बहुत महत्व है क्योंकि इस एरिया में पूरा रसकुलिया का ही पानी आता है। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं NSC पुरुषोत्तमपुर, नोटिफाइड एरिया काउंसिल पुरुषोत्तमपुर में है अभी हम लोग, और यहाँ से गांव की दूरी है अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, अब सीधा घर पे रुकेंगे। और हाँ, ये एरिया आता है गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अंडर में, और मेरा गांव भी गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ही आता है। तो यहाँ का जो RTO कोड है वो है OD07, और यहाँ पर रायपुर की बाइक CG04 घूम रही है भाई। वो देखो गाइस, वो जो टेंपल दिख रहा है ना, उसी को तारातारिणी टेंपल बोलते हैं, और काफी पॉपुलर और काफी मस्त है वो टेंपल। अभी कभी अगर टाइम मिलता है तो एक बार और एक्सप्लोर करने जरूर जाएंगे। क्या ब्यूटीफुल जगह है यार। ये रसकुलिया रिवर है, ताकत मेरी मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जवाब, एक मैं ही है सदा हिफाजत मेरी। तो गाइस ये है मेरा गांव, छोटा सा गांव, और आगे है मेरा घर। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ मैं, मतलब एक आध साल बाद, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ का। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे अपन। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय जवाहर।